बताइए कौन गाया है? जैया से आयल बाड़ी भौजी के सिस्टर। नो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं उठ गया हूँ, लगभग 6 बजे से उठा हुआ हूँ। पहले गाना बजा रहे थे तो फिर अचानक से देखी कि हाल पूरा चहल पहल जो है एकदम बढ़ गया, और वो किसके कारण? तो और किसी के नहीं, वो सिर्फ नीसा के कारण। और बाकी जो है सब लोग आए हुए हैं, अभी सब लोग बेड पे आराम कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों को बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अचानक आना क्यों पड़ा वो आप लोगों को इस वीडियो में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके पता चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जाट लोग जो होता है ना, जैसे हेयर स्टाइल ऐसे करके रखता है लोग बॉडी, हाँ तो वैसा टाइप का वो हेयर स्टाइल कर रहा है। खैर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है वो अभी बच्चा। तो यहाँ पे नीसा जैसे आई है उसके बाद से तुरंत आके हमको एक बात बताई है, जो कि आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि बताता हूँ कि ये जैसे गाड़ी में आ रही थी, ठीक है, गाड़ी में जब आ रही थी तो इसको क्या हुआ कि नींद लग गया था। और जैसे नींद लग जाता है तो फिर उसके बाद से थोड़े देर के बाद जैसे ही इसका आँख खुला तो इसका जो, देख सकते हैं, सुन रही है एकदम ध्यान से, इसका जो बाल था कोई नोचा हुआ था, ऐसा इसको फील हुआ नहीं, लेकिन सब आपको वीडियो के वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना जब, तो उसमें आपको देखेंगे कि नीसा काफी मतलब कंफ्यूज थी कि मेरा बाल कौन नोचा है। बाल खराब हो गया था, बाल खराब हो गया था। और कोई ना, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग देखते होंगे अक्सर रोड पे जब पटका पटकी लड़ाई चलता है तो बाल का जो दासा होता है ना पूरा नोचा नोचावल हो गया था। तो मैं नीसा को पूछा ये बात, तो ये बोली कि नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। पर गाइज आप लोग वीडियो को देखिए और लास्ट में खुद पता चल जाएगा। अभी सब लोग आए हुए हैं तो चाय वाय बन रहा है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके गाड़ी भी आ रही है शुभम भाई का। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है शुभम भाई आपको बहुत जल्द देंगे। और ये ना ऐसा कहनाम है कि हम लोग पहले रिवील नहीं करते हैं, नहीं तो वो थोड़ा काम में ना क्या होता है, ग्रहण लगने शुरू होता है, इसलिए ये लोग खुद बता देंगे आपको, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो बहुत बड़ा है, ऐसा है कि ये तो खुद तो सरप्राइज़ होंगे ही, साथ में सब घर वाले भी सरप्राइज़ हो जाएंगे, अगल बगल के पड़ोसी का भी जो होता है वो भी सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए खाना खाना सब बंद हो जाएगा, पूरे लोगों को भंडारा ये करेंगे। तो बहुत बड़ा प्लान है, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग सब लोग उठ गए होंगे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और काफ़ी मैं चाट दिया हूँ आप लोग को, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हे गाइस, तो रात का वक्त हो चुका है, अभी समय हो रहा है 11:20, और मैं रोज़ की तरह हमेशा आ गया हूँ यहाँ पे। पीछे की तरफ गाड़ी रखने के बाद ताला मारना होता है और जेरी महाशय को थोड़ा सा घुमाना होता है ताकि ये अपना दीर्घासन कर सकें। ए दीर्घासन, चलो उधर करो, गाड़ी पे ही करते, चलिए आगे बढ़ा गए। तो गाइस यहाँ पे कौन बंद कर दिया? अब खुद करते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी हैं अंशु और राजपूत जी, ऑफिशियल लोग। और इतना सुबेर है, हमको तो लगा कि आराम से आएंगे लोग। कब से आए? रात भर चलाए क्या गाड़ी? आप चलाए हैं? हम काली चलाए, भैया चलाए। तो इतना सुबह से चलिए गाइस, नीसा भी आ गई है, एकदम फिट हो गई है। सही तो चांद का सोने का है, देख लीजिए। कभी इधर चोट लग रहा था, कभी इधर लग रहा था, रोड खराब। छोटू छोटू पीछे सो गया, जगा रहा था आराम से, पीछे वाले से जो मस्त सो के आया है, मस्त सो के गया है। ये भाई खुश नहीं हुआ है क्या आप लोग के देख के? चलो ठीक है, प्रणाम। कहाँ गए? प्रणाम भाभी, एक नंबर। आय ठीक है। तो इतना सुबह में मुझे उम्मीद नहीं था, और यहाँ पे अंजू को पूछे हैं कि
क्या कैसे आया हेलो तो बोल रहे हैं मेरे पति चलाया, तो पति का चाय पत्ती निकल गया यहाँ से वो भी लाल वाला चाय तो आपको कैसा लगा ड्राइविंग? क्या कैसा लगा ड्राइविंग? आपका तो बाल ऐसा लग रहा है जैसे नोच नोच के मारा है लोग। सबका बाल वो हो गया, सबका नहीं हुआ, इनका तो ठीक है, इनका छोटा बाल है। तुम्हारा ऐसा मार खा रही थी क्या सबसे? बाल लग रहा है जैसे झोटा 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 बाल हुआ है अंदर गाड़ी के अंदर, अभी इतना बाल गिरा हुआ है इसका। ऐसे ही वो चलिए घर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आ जाने दीजिए स्कॉर्पियो लेके, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस सारा सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार में कई नहीं दू उठा लेंगे। बाबू चाबी लेते हैं ना, तो पेपी आने लगेगी। तो गाइस सब लोग आ गए हैं सुबह सुबह। ओहो यहाँ लीसा भी आ गई है, पहले घुस रही है। हाँ ला रहे हैं। और कितनी देख सकते हैं लोग, बहुत ज्यादा थकावट लग रहा है हो गया है, और जल्दी जल्दी यहाँ पे लंचना भी रेडी हो गई है। चलो पप्पू जल्दी से सब लोगों से मुलाकात कर लो, चलो जल्दी से तो गाइस जैसे ही लीसा आई हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी अंशु लोग सब लोग आ गए हैं, तो मुझे एक गाना याद आ गया इनको देखते ही। देखिए कितना खुश हो गई है, और नाक थोड़ा नीचे जा रहा है, मुंह थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ पे उलगा। तो गाइस मैं ऐसा भी दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, समझ गया कि वैसे ही करते हैं। तो गाइस मैं जानती हूँ कि मैं अभी खैर मजा आता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल रहेगी, जैसे ब्लॉग शुरू होगा ना तैसे करती है, थोड़ा सा नाक नीचे की तरफ ले जाइए, ब्लॉगिंग का एक स्टाइल है, थोड़ा सा ये अपने से दब जाता है और बोलती है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ भोपाल में, और मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। भाई तो ब्लॉग देखे लग रहा है खैर इनके पे गाना एक हम डेडिकेट किए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। जहिया से ये गाना कौन कौन सुना है आप लोग कमेंट कीजिएगा पहले। आप लोग सुने हैं लोग ये गाना? सुने हैं लोग आप लोग? बताइए कौन गाया है। जहिया से आइल बाड़ी भौजी के सिस्टर नो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, अब मैं यहाँ पे नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, और आज हमारे घर में सभी लोग आ चुके हैं, तो घर एकदम भरा भरा भी से लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि चलिए सभी लोग आ गए, क्योंकि सब लोग चले गए थे तो बिल्कुल घर सूना भी हो गया था, अच्छा भी नहीं लगता था। तो अभी हम आ गए किचन में, और अभी चलते हैं खाना बनाते हैं। और आज हमारे घर में खाना में बनेगा आलू और परवल की सब्जी मसाला वाला, रोटी बनेगा, दाल बनेगा, चावल बनेगा। तो चलते सबसे पहले दूध मंगा कर पहले चाय बनाते हैं, उन लोगों को चाय नाश्ता देते हैं, उसके बाद फिर खाना। तो एक साइड सब्जी छौंक देते हैं, और एक साइड क्या करते हैं दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। दूध तो बट आया नहीं है, तो अभी छोटू आता है तो मंगवाते हैं। तो बस आप लोग बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे अभी चलते आलू और परवल की सब्जी बनाते हैं, और अभी यहाँ पे आटा भी यहाँ पे परवल की भाजी है फ्राई होने के लिए, और अभी आगे इंग्लिश है। कैसे लग रहा है इसे आपको आकर यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, सब कुछ कार में ही वो रात भर कार चल रहा है ना, इसलिए इतना सुबह में आ गए। तो बस ये भी वगैरह होंगी, तब तक मैं बोली कि चलो इधर खाना वगैरह बना देती हूँ जल्दी से।
और अभी दूध छोटी गया लाने तो आटा तो चाय बनाते हैं। हे गाइस, तो एक साइड में कैफे में सब्जी छौंक दिए हैं और एक साइड में चाय बना ली। बाकी अभी घर के सभी मेंबर्स लोग आ गए हैं और क्योंकि सुबह का टाइम है तो इतना सुबह में सब लोग चाय पीएंगे। गाइस यहाँ पे चाय बना दिए हैं और अभी अब सबको लेकर चलते हैं। बाकी अभी दीदी भी आ चुकी है। हाँ, अरे तुम्हारा भी फ़ोन पूरा और चकनाचूर हो गया, मेरा भी वही हो गया। तो अभी चलते हैं, सबको पहले चाय छान कर देते हैं, बाकी इधर सब्जी बन रहा और उसके बाद दाल उल चुना बनवाया है। अपना फोन था वो खराब, तब टूट गया, कल बनवाया आज टूट गया। सुषमा चलती हाँ टूटते रहता है हमसे, जो फोन एक बार टूट जाएगा ना वो हमसे सही नहीं रहता है। यहाँ पे अब मैं क्या की हूँ, ये फ्राई तो हो गया है लेकिन अब मैं इसमें क्या की हूँ, मसाला डाल दी हूँ और अब इसको अच्छे से भुजाने देती हूँ। बाकी इधर दाल हो गया है तो चलते हैं जल्दी से चावल धोकर चढ़ा देते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में रोटी बनाएंगे। आवाज दो को का आ रहा है जी तुम्हारा। माता ने बुलाया है, बोलो जोर से।